गंभीरता से हम लोगों ने बच्चों की मौत अत्यंत दुखद है और हम लोगों ने उसके लिए पूरी कमर तोड़ करके पूरा बिहार सरकार भी और भारत सरकार उसके लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ हम लोग उस विषय को पूरा करने में लगे हुए हैं कि भाई किसी तरह से इसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए। और आप जानते हैं कि वो बीमारी AIS जो है, एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी हासिल नहीं हुआ। उसके लिए हम लोगों ने वहाँ शोध का भी एक घोषणा हमारे स्वास्थ्य विभाग मंत्री जी ने वहाँ किया है कि एक शोध का वहाँ हो, साथ साथ जो हमारे वहाँ बच्चों के लिए एक अच्छा ICU का वो निर्माण के लिए हम लोगों ने उसकी स्वीकृति भी दी है। तो ऐसे जितनी सारी बातें हैं और दवा प्रोटोकॉल अन्य सारी चीज़ें, वो सब कुछ हो रहा है अच्छे ढंग से। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग जल्द ही उसको नियंत्रित करने में सफल होंगे। और नहीं, राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार प्रारंभ से ही इस विषय पर पूरी गंभीरता से राज्य सरकार करती रही है। और हम सब लोग जब भी राज्य सरकार का जब कभी कोई उनका और भी कोई आग्रह होगा, हम लोग पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं और इसके लिए हम लोगों ने हर तरह से मदद किया है, आगे भी और करेंगे। ये देखिए, जो भी बंगाल की हालात से वो दुखद है, डॉक्टरों पर जिस प्रकार से कुठाराघात हुआ है, एक बार विचार करने की आवश्यकता है। और डॉक्टर हमारे वैद्य होते हैं, तो मुझे लगता है कि जल्द ही इस पर ममता बहन जी को सोचना चाहिए था, उस पर कार्रवाई करना चाहिए था। नहीं, स्थिति बहुत हद तक नियंत्रित हो रहा है, ऐसा नहीं। और उसके लिए जो प्रोटोकॉल होना चाहिए, वो प्रोटोकॉल की वहाँ डॉक्टर कर रहे हैं। दवाई चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी व्यवस्था वहाँ हो रही है, उसमें कहीं दो मत नहीं। और उसके लिए भारत सरकार ने जो आगे के लिए इस प्रकार की घटना ना हो, चाहे वो उसके शोध के लिए एक बढ़िया वहाँ व्यवस्था हो सकती है, एक स्टेट ऑफ आर्ट जो है उसके लिए, साथ साथ जो ICU बनने का है वो है, और सारे प्रोटोकॉल अवेयरनेस के लिए राज्य सरकार वहाँ कर रही है। उसमें जो भी सहयोग भारत सरकार का चाहिए, हम सब लोग दिया भी है, वहाँ भेजा भी है टीम, और आगे भी करने के लिए तैयार है। नहीं, ऐसा है, कोई देरी हमारे तरफ से नहीं हुई है, और राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर शुरू से ही प्रयास किया है। उसमें कहीं कोई चिंता का हमारे स्तर पर, राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के स्तर पर, कोई हम लोगों ने उस पर चिंतन भी किया और गंभीरता से इसको लिया गया।